नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिल नाकरानी, कंपनी का नाम है संजू डिजाइनर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोगों का मैं यूट्यूब चैनल के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि जिसके कारण आपके घर में झगड़े होते हैं या फिर होंगे। मैं समझता हूं कि आप बहुत लोग होशियार हो, आपने बहुत सारे अलग अलग थिंकिंग कर लिए होंगे, लेकिन आप अपना विचार साइड पे रखिए, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं ज्वेलरी के बारे में। जी हां दोस्तों, ज्वेलरी डिजाइनिंग दोस्तों एक ऐसी फील्ड है कि जिसका दिन प्रतिदिन, चाहे गोल्ड का भाव, चाहे प्लेटिनम का भाव, चाहे सिल्वर का भाव जितना भी बढ़ जाए, लेकिन इसकी डिमांड कभी भी बंद नहीं होने वाली, और ये पूरी की पूरी ग्लोबली फील्ड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्वेलरी में डिजाइनिंग ही क्यों, क्योंकि कोई भी चीज डिजाइनिंग से ही सिलेक्ट की जाती है। जैसे आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि आप कहीं ज्वेलरी लेने जाओ, चाहे आप ऑनलाइन परचेस करो या फिर ऑफलाइन, आप बहुत सारे डिजाइन देखते हो, और जिसके पास ज्यादा डिजाइनिंग होती है, ज्यादा सिलेक्शन होता है, वहां पे आप परचेस करते हैं। या तो फिर आप अगर ऑनलाइन देखते हो तो ऑनलाइन बहुत सारे फोटोज वगैरह देखते हो, उसके अंदर आप सिलेक्शन करते हो, लेकिन इसके मूल के अंदर है डिजाइनिंग। तो इसीलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में। तो आप इस फील्ड के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कितना इनकम कर सकते हैं, कैसे काम करना होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो के दौरान। तो बने रहिए अंत तक। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने संजू डिजाइनर फैक्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप मिस करोगे कहीं ना कहीं एक अच्छी सी फील्ड के बारे में जानने को। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा पास्ट के अंदर ले जाऊं, तो राजा महाराजा के समय के अंदर, या फिर हम लोग बात करें कि टेंटेटिव 1900 के साल तक हम लोग ज्वेलरी बनाते थे हैंडमेड। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है कि हम लोग डिजाइनिंग करते थे हैंडमेड, हम लोग या फिर कागज में करते थे, या फिर हम लोग किसी भी चीज को देख के ज्वेलरी बनाते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का युग आया, जब से कंप्यूटर आया है, तो लोगों ने देखा कि इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हम लोग कंप्यूटर के अंदर भी इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि ये जो ज्वेलरी बनने वाली है उसका कॉस्टिंग कितना होगा, कितना गोल्ड या फिर कितना सिल्वर, कितना प्लेटिनम, कितनी धातु यूज होगी, वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। साथ ही साथ कितने कैरेट के डायमंड लगने वाले हैं, कैसे डायमंड लगने वाले हैं, उसका लुकआउट कैसे होगा, वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो लोगों ने देखा कि इस फील्ड के अंदर जब हम पहले से इतना अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस फील्ड के अंदर काम करें। तो धीरे धीरे लोग कंप्यूटर पे आने लगे और कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करने लगे। तो अगर मैं आज की बात करूं, तो हाल तकरीबन 90% ज्वेलरी बनती है कंप्यूटराइज। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले उनकी डिजाइनिंग होती है, और बाद में अलग अलग मशीनरीज के द्वारा उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। दोस्तों, इस फील्ड की रिक्वायरमेंट में जब बोलता हूं, फैशन की इंडस्ट्री जब तक चलती रहेगी, जब तक स्त्रियों की मांग चलती रहेगी मुझे ज्वेलरी पहननी है, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और साथ ही साथ ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिस फील्ड के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। और कहीं लोग ऐसे होते हैं कि परिवार ऐसे हो, कहीं समाज ऐसा होता है कि जिसके अंदर शादी वगैरह में कुछ अलग अलग फंक्शन के अंदर ज्वेलरी देना कंपल्सरी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस फील्ड की रिक्वायरमेंट हमेशा के लिए रहने वाली है। और हाँ, ये एक शौक का विषय है, जो जिसको भी, जिसके पास पैसा अच्छा होगा, जिसके पास कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट हो कि मुझे कुछ नया नया बनाना है, तो ऑलवेज वो कुछ नया फाइंड करने वाला है। तो जब तक फैशन का ट्रेंड बढ़ता रहेगा, तब तक ज्वेलरी डिजाइनिंग का ट्रेंड भी बढ़ता रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस फील्ड के अंदर इनकम की बात करूं, तो आप 15,000 से लेके 50,000 तक की इनकम कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ओनली फॉर आपको डिजाइनिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी की जो हार्डवर्क की प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट करता है। तो आपको ओनली फॉर आपके नए नए आइडियाज आपको देने हैं। और साथ ही साथ इस फील्ड के अंदर बिजनेस के भी स्कोप अच्छे हैं। और हाँ, ये एक फील्ड ऐसा है कि जिसमें आप ग्लोबली काम कर सकते हैं। इस फील्ड के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरी वर्ल्ड वाइड फील्ड है, पूरा वर्ल्ड वाइड आपको यहाँ से काम मिल जाएगा। और आज मैं जब टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम के अंदर बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, तो वहां बैठे बैठे कहीं और विदेश से भी आप काम ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको डिजाइनिंग फील्ड के अंदर मिल सकती है। दोस्तों, आप इस फील्ड के अंदर आके बढ़िए। मैं चाहता हूं कि नई नई डिजाइनिंग क्रिएट करके आप भी कुछ नया इनोवेशन करिए, आप अपने करियर में आगे बढ़े। और हाँ, बहनों के लिए तो मैं फील्ड खास सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाओगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं, विरोध नहीं करता कि भाई लोग नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर कोई भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि बिना कोई एजुकेशन के आपको सीखना है तो खाली सॉफ्टवेयर, कौन सा
उसका सॉफ्टवेयर है जेम विजन मैट्रिक्स करके, तो वो सॉफ्टवेयर आपको सीखना है और वो सॉफ्टवेयर सीख के आप ज्वेलरी फील्ड के अंदर आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, छोटी से छोटी क्वेरी है, तो आप ये मत सोचिए कि हमें क्यों कॉल करें। आप 9723994111 इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपको पर्सनली काउंसिलिंग करेंगे कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। कई बार ये होता है हमारे पास इंक्वायरी कंटिन्यू बैक टू बैक होती है, तो कई बार हमारा फोन व्यस्त भी होगा, तो आप हमें दूसरी बार भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी तरफ से आपको कॉल बैक भी आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए फील्ड के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। और एक खास चीज आपको बताना चाहता हूं कि इस फील्ड के बारे में आप लोगों को बताइए, ये जो वीडियो है आप लोगों तक शेयर करिए, ताकि शायद आपने वीडियो शेयर किया, उसको इंटरेस्ट लग गया, वो भी जॉब करने लगा, तो उनकी जिंदगी भी बन सकती है। तो आप YouTube पे हो, ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखिए, लोगों को दिखाइए भी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।